नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है? सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं? कि ये जो अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है? कैसा रिश्ता है? ये जो 1,000 करोड़ रुपया ये शेल कंपनी हिंदुस्तान में भेज रही है ये किसका पैसा है? 1,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक अदानी जी को मिलता है। क्या आप जानते हो कि अडानी के कारण आपकी प्लेन टिकट की कीमत 800 रुपए से बढ़ सकती है और आपका बिजली बिल 2 गुना बढ़ सकता है और 2020 में उसे भारत का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट मुंबई का छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कब्जा मिला। केवल 2 साल में अडानी से खरीदी गई बिजली का रेट 2 गुना बढ़ा। बीस हजार करोड़ रुपए अडानी जी की शेल कंपनीज में कहां से आए? हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला में कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी से 100 सवाल पूछे थे उनके और अडानी ग्रुप के रिश्ते के बारे में। अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन हमने एक बुकलेट तैयार की है, सारे के सारे सवाल इसमें मिलेंगे और हमारी वेबसाइट पे भी ये अवेलेबल है। लेकिन कल रात को सेबी ने, जो कि रेगुलेटर है, स्टॉक मार्केट रेगुलेटर, उससे एक कंसल्टेशन पेपर प्रेजेंट किया और उसमें एक उन्होंने पूछा है डिस्कशन के लिए कि जो शेल कंपनियां हैं उनके पीछे जो असली ओनर्स हैं इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके कुछ प्रस्ताव हैं और उसके बारे में उन्होंने चर्चा शुरू की है, बातचीत करवाया है, कंसल्टेशन करवाया है। अजीब बात यह है कि आपको याद होगा कि 2014 में मोदी जी ने खुद एक लंबा चौड़ा भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि शेल कंपनीज के पीछे जो काला धन है उसके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन अजीब बात यह है कि 2018 में सेबी ने अपने आप ही जो नियम है 31 दिसंबर 2018 वो नियम को डाइल्यूट कर दिया, इस जिसके मुताबिक फंड्स को बताना पड़ता था कि उनके पीछे कौन असली ओनर है, और 21 अगस्त 2019 को पूरा डिलीट कर दिया। तो एक तरफ मोदी जी ने कहा था कि ये जानकारी ज़रूर हमें प्राप्त करनी है और दूसरी तरफ 4 साल बाद उन्हीं की सरकार के सेबी ने सारा डिलीट कर दिया। तो अब सवाल उठता है कि इसके फिर अडानी के जो अडानी ग्रुप में 20,000 करोड़ रुपए जो गए हैं, बेनामी रुपए गए हैं, इनके बारे में जानकारी अब कैसे प्राप्त होगी? तो ये जो कंसल्टेशन पेपर ये साबित करता है कि जो सवाल हमने पूछे हैं मोदी जी से, अडानी जी से 100 सवाल पूछे हैं, ये बिल्कुल जस्टिफाइड थे और इनका अब प्रभाव पड़ रहा है और सेबी दबाव में आके सही सवाल पूछने लग गई है और इसको आगे लेने के लिए जेपीसी का गठन जरूरी है। इसका नतीजा ये हुआ, शेल कंपनियां बनी, शेयर बाजार में विदेशी निवेशक आए, पर इनके पीछे हैं कौन? इनका पता है क्या कौन है ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर? उसकी पूरी जानकारी हासिल नहीं हो पाई और इसका एक नतीजा ये हुआ कि इस अडानी मामले में, जो अभी आपको अमिताभ बताएंगे, इस शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया, किसका है, इसकी जानकारी अभी तक किसी को हासिल नहीं हो पाई। सेबी ने कल शाम को ये कंसल्टेशन पेपर क्यों निकाला? ये कंसल्टेशन पेपर क्या कहता है कि जो पहले नियम थे उसको हम फिर से वापस लाएंगे, जो 2018 में जो हमने किया था वो गलत था, 2019 में जो हमने किया था वो गलत था। इसका एक संदर्भ है, पृष्ठभूमि है। सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में, जो अडानी मामले में गठन किया गया था आपको याद होगा, उनका एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह था कि
ये नियम के हटाने से बहुत नुकसान पहुंचा है। हमारे शेयर बाजार में जो विदेशी निवेशक हैं उनको हम सही ढंग से पहचान नहीं पाते हैं, उनके मालिक कौन हैं उसकी जानकारी हमें मिलती नहीं है, और उन्होंने सेबी को विनम्र शब्द में दोषी ठहराया और उसका यह नतीजा निकला है कि सेबी अभी शीर्षासन, आजकल योगा का जमाना है तो सेबी में शीर्षासन किया है और ये कंसल्टेशन पेपर निकाला है, और इसका मकसद है कि शेयर बाजार में जो भाग लेते हैं उनसे फीडबैक लें कि क्या हम पुराने नियम वापस ला सकते हैं कि नहीं। तो मैं समझता हूं जो 100 सवाल कांग्रेस पार्टी ने पूछा, जो सवाल राहुल गांधी जी ने लोकसभा में पूछा और जो सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने की, उसका असर कल हम शाम को देखने को मिला है।